जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके जेमिनी, आई थिंक स्टिल काइंड ऑफ एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं। ऑल दो थिंग्स हैव बीन एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है, और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, वट एवर। बट अगर इस स्पेसिफिक कनेक्शन की हम बात करें जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट बरीड इमोशंस, डीप बरीड इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। और स्टिल कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन से कि वो आपको मैसेज करें। यस, शायद एक पार्ट हो आपका जहां आप सोचते हैं, यू नो, एक्सपेक्टिंग सम लव फ्रॉम देम, मिसिंग, नॉस्टैल्जिया, मेमरीज, ओल्ड मेमरीज, ठीक है। और दूसरी साइड आपके जो पार्टनर है, एज यूजुअल दे आर साइलेंट, दे हैव ऑप्शंस, दिस पर्सन इज रेजिस्टिंग, नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। ये इनकी यू नो टेंडेंसी है इस पर्सन की, दे हैव ऑप्शंस अराउंड देम, और मे बी दे आर मैरिड, और मे बी यू नो साइलेंट, नथिंग, नो मूवमेंट। और ओके, आई थिंक इट्स अबाउट आई थिंक न्यू एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि शायद हो सकता है कि जेमिनी अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अबाउट फैमिली टाइम, इट्स अबाउट यू नो बीइंग इन देयर ओन जोन। और आई थिंक कोई मैरिड है, यस, मुझे लगता है मैरिज है बहुत ज़्यादा जेमिनी के लिए। मुझे अगेन मैं आपको कहूँगी न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, हो सकता है कि आप इस पर्सन से फ्यूचर में कनेक्ट भी करें, यू नो। अगर कोई पास्ट पर्सन है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क एनी मोर। अगर कोई पास्ट पर्सन है और मे बी समबडी हर्ट यू, बिकॉज मुझे जस्टिस भी दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यू नो मूविंग ऑन, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और स्टिल कोई ना कोई, मुझे लगता है हील हो रहा है कोई यहाँ पे, समबडी इज हीलिंग देमसेल्व्स, कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। और न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई नया रिश्ता आ सकता है, या मे बी हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड, शायद हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर जेमिनी के लिए। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है दे आर क्वाइट यू नो अपने जोन में है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दे आर इन टू देयर ओन जोन। एंड दिस पर्सन इज हैंडसम और स्मार्ट और गुड लुकिंग, जो भी, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। और हो सकता है कि यू नो अच्छी पर्सनालिटी हो इनकी, मे बी दे आर इन टू देयर ओन जोन। अपनी मनी को लेके यू नो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं या फेस कर रहे होंगे, एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि नो, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज लॉस्ट इन देयर थाट्स अपने। या तो हो सकता है इन्होंने चैलेंजेस फेस किए हों, या हो सकता है कि ये पर्सनल इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज के थ्रू तो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ यू नो कर रहे हैं। और आई थिंक आप तो फिलहाल शायद कहीं, मुझे फिर लगता है कि आप यू नो एक पार्ट आपका स्टिल रिकंसिलिएशन चाहता है, यू नो एक पार्ट है आपका जो स्टिल चाहता है कि कहीं शायद हो सकता है आप दोनों मिल लें। एंड लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को यू नो इस चीज़ में से निकालने की। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ पहले भी कि मुझे न्यू एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है। अगर आप एंड कर चुके हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप ऐसा था दैट वाज नॉट सर्विंग यू, आप उसमें से कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, यू नो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इस हफ्ते भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि ठीक है, इट्स अबाउट कंटेंटमेंट, इट्स अबाउट बींग इन योर ओन जोन और हीलिंग। मतलब ठीक है, अगर बात हो भी रही है इस पर्सन के साथ थोड़ी बहुत आपकी, तो आई थिंक आप साथ साथ अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं। और यस, लाइक हो सकता है कि आप इस चीज़ को पहचान रहे हैं, आप इस, क्योंकि आपके मन में ना बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन वो लव है, यू आर क्रेविंग फॉर लव, यू हैव दैट लव यू नो अंदर, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस पर्सन को लेके। बट क्या करें, वो क्लोज्ड
वो जो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं, बट देखते हैं आगे क्या होगा, बट फिलहाल के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की। जेमिनाई के लिए आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन, यू नो, बट ठीक है, हीलिंग इज मच नीडेड। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप सेपरेटेड हैं। अब बात करेंगे आपके करियर की। ओके, करियर वाइज क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, आप परेशान थोड़ा सा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रखो अपनी जॉब पे अपने प्रोफाइल की वजह से, या यू नो, बट ठीक है, आई थिंक इन द एंड यू विल बी लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है चीज़ें इधर उधर थोड़ा सा हो जाती हैं, बट डोंट पैनिक। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिकॉज वी हैव विक्ट्री, वी हैव सक्सेस। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी टर्मोइल आता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए है। सो अगेन वी हैव सेवन ऑफ कप्स, राइट? सो मे बी इट्स अबाउट लुकिंग फॉर ऑप्शंस, स्टडिंग, ठीक है, और वी हैव यू नो दैट कंटेंटमेंट, एस ऑफ कप्स। फाइनली मुझे लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या इस हफ्ते ऐसा कुछ होता है और आप यू नो परेशान हैं, तो इन द एंड थिंग्स विल टर्न इन टू योर फेवर। वी हैव टू एसेज हेयर, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। समथिंग न्यू इज कमिंग, या हो सकता है आप कुछ नया कर रहे हैं, या समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर लर्निंग, या एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और इट्स अबाउट योर ओन ग्रोथ, ओन कंटेंटमेंट। आपकी खुशी इस पर शायद निर्भर करती है। तो क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल? क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज हमें बताइए। ओके, यू नीड टू हील योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा को। देखिए भाई, फॉर जेमिनाई, सॉरी अगर मैंने बीच में लीब्रा बोल दिया हो गलती से, इट्स अबाउट जेमिनाई पीपल, राइट? मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ स्टे हैप्पी इन योर ओन जोन। आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए। जो राहे पर रहेंगे तो कभी चूज़ नहीं कर पाएंगे कि इस तरफ या उस तरफ, ठीक है? आप यू नीड टू बी वेरी क्लियर, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आई डोंट वॉन्ट टू से, बट मे बी हो सकता है कुछ लोग यू नो दे आर डीलिंग आउट ऑफ मैरिज, या आपके पर्सन हो सकते हैं। सो यू नीड कुछ कनेक्शंस आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपको सिर्फ टीच करने के लिए आते हैं, ठीक है? इट्स नॉट, और कुछ लेसन्स कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में हु आर देयर टू स्टे इन योर लाइफ। अब वो आपको जज करना है कि वो कौन से लोग हैं, वो क्या है, यू नो? आप अपने आप को धोखा मत दीजिए आंखों पे पट्टी बांध के कि नहीं 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 नो नो नो, अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश मत कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से फॉर ऑल यू जेमिनाई पीपल। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।